श्री राधे मित्रों हर हर महादेव माँ भगवती आदिशक्ति जगत जननी चंद्रवनी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे यही माँ भगवती के चरणों में कामना है तो मित्रों चंद्रवनी भक्ति रस चैनल के माध्यम से आपको दैनिक राशिफल या साप्ताहिक मासिक राशिफल की जानकारी दी जाती है तो आज हम जो है अंग्रेजी महीने के हिसाब से जो है नया साल 2023 आने वाला है तो 2000 साल नए साल की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और अंग्रेजी नए साल की आपको सभी को शुभकामनाएं माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे तो इसी कामना के साथ माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना और आप आज का जो हमारा वीडियो है वह मेष राशि के जातकों का जनवरी का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे तो आप हमारे वीडियो को अंतिम तक देखें और वीडियो को शेयर करें जितने भी मेष राशि के जातक हैं उनके बारे में हम बताते हैं कि यह जनवरी का महीना मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है तो मेष माह रा, मेष राशि के जो जातक हैं जनवरी 2023 जनवरी का महीना जो है मेष राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है और इस महीने आप कुछ नया शुरू करने का मन बना रहे हैं तो ये समय सबसे बेहतर है हालांकि इस दौरान अपने खर्चों का ख्याल भी आपको रखना है और जो दिसंबर महीने में आपके जो करियर और स्वास्थ्य के लिहाज से जैसा समय चल रहा था जो खर्चे आपके हुए उसका भी आपको ध्यान रखना है तो मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना वह शुभ रहने वाला है पारिवारिक जीवन और छात्रों के लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है अगर आप अगर काफी समय से आप नया कुछ नया शुरू करने का मन बना रहे हैं तो ये समय मेष राशि के जातकों के लिए सबसे बेहतर है इस दौरान आपकी जो है लव लाइफ में भी नयापन आने वाला है हालांकि सलाह ये है कि खुद पर आपको संयम भी रखना है और आपका साथी जो कह रहा है आपका जो साथी जो कह रहा है या जो आपका साथी चाहता है उसकी भी बात आपको सुननी है लेकिन मेष राशि के जातकों को करियर के क्षेत्र में थोड़ी मेहनत जनवरी के महीने में करनी पड़ सकती है वही स्वास्थ्य में लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं बरतनी है करियर को लेकर करनी है आपको मेहनत मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना करियर के क्षेत्र से मिला जुला रहने वाला है जिस भी क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं उसमें मेहनत आपको आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको फल मिलेगा। इस दौरान ध्यान रखें अपनी भावनाओं को आपको नियंत्रित में रखना है हो सकता है आपको अपने करीबियों की मदद बिल्कुल भी नसीब ना हो लेकिन खुद पर भरोसा आपको रखना है और आगे बढ़ते रहना है आप महीने इस जनवरी के महीने कई चीजों में सफलता प्राप्त करने वाले हैं ध्यान रहे कि कोई भी काम कर रहे कोई भी काम आप करें वो सोच समझ कर आपको करना है अपने काम से बचने की कोशिश आपको बिल्कुल भी अपने काम से बचने की कोशिश आपको नहीं करनी है ऐसा करना आपको मुश्किल में फंसा सकता है तो इस महीने जनवरी के महीने जनवरी 2023 के महीने खर्चों में वे कुछ बढ़ोतरी के योग दिख रहे हैं तो मेष राशि वालों के खर्चे में इस महीने बढ़ोतरी होने वाली है हालांकि अगर आप निवेश करने का मन बना रहे हैं तो यह महीना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है इसका आपको फायदा मिलेगा खर्च जो हैं खर्चे भी आपके जम करके बटने वाले हैं इसलिए बहुत गौर करके अपने पैसा जो आपके पैसे हैं उसका कहीं निवेश आपको करना है सोच समझ के साथ ही बचत का भी आपको ध्यान रखना है फिजूल के खर्चे आपको बिल्कुल नहीं करने हैं यानी इस महीने मेष राशि के जातकों के लिए धन का प्रभाव तो होगा लेकिन आपको बचत पर भी ध्यान जरूर देना होगा इसलिए आप बड़ों से बातचीत कर सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं स्वास्थ्य का भी आपको रखना है ध्यान तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो है यह जनवरी 2023 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए औसतन मतलब मिला जुला रहने वाला है काम का दबाव आपको तनाव दे सकता है इस दौरान आपको गुस्सा भी आ सकता है लेकिन आपको इस पर नियंत्रण करना है क्योंकि इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है इसलिए ध्यान यह रखें कि व्यायाम जरूर करें और अपने खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना है बाहर की चीजें जो उन्हें खाने से आपको बचना है और जितना हो सके उतना घर का आपको खाना खाना है क्रोध में आकर कोई गलत फैसला आपको बिल्कुल नहीं करना है पारिवारिक जीवन की बात करें तो मेष राशि के जातकों में मिला जुला यह जनवरी 2023 का महीना रहेगा इस महीने आपको पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और मेष राशि के जो जातक हैं अपने पार्टनर के साथ अपने पार्टनर के साथ साथ में जो है परिवार के अन्य लोगों के साथ भी कठोर इस महीने हो सकते हैं ऐसे में अपने गुस्से पर आपको काबू रखना है और उनकी बातों को समझने का प्रयास करना है परिवार के लोगों का किसी भी तरह का तनाव आपको नहीं लेना है अपने पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल जनवरी के महीने रखना है सबसे जरूरी है कि आप अपने परिवार के साथ जितना हो सके उतना समय आपको इस जनवरी के महीने में बिताना है और कोई भी फैसला लेने से पहले उसकी उन परिवार वालों की सलाह आपको जरूर लेनी है उपाय के रूप में आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं कि उपाय के रूप में आप हर दिन जो है भगवान हनुमान या माँ दुर्गा की पूजा आपको करनी है साथ ही आपको पक्षियों को दाना खिलाना है दाना डालना है तो यह अगर आप उपाय करेंगे प्रतिदिन तो भगवान हनुमान जी का पूजन करेंगे माँ भगवती आदिशक्ति का पूजन करेंगे और चिड़ियों को अगर आप प्रतिदिन दाना देंगे तो मां भगवती के आशीर्वाद से श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके सभी जो भी मनोकामनाएं हैं वह सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे और इस जनवरी के महीने में आपका शुभ होगा कल्याण होगा आपका जनवरी का जो महीना है वह बहुत लाभप्रद होगा तो मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी जनवरी 2023 का महीना कैसा रहेगा इस संबंध में हमने आपसे बात करी अगले वीडियो में हम वृष राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे तो मेष राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी तक आप हमारे इस वीडियो को पहुंचाएं और ताकि सभी हमारे इस वीडियो से लाभान्वित हो सके जो भी हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह हमारे चंद्रवदनी भक्तिरस पेज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आगे आने वाली जानकारियां आपको उपलब्ध हो सकें और छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं जिससे आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो जीवन जो आपका आनंदमय हो उन छोटे छोटे उपायों को आप जरूर करें उसमें कोई खर्चा नहीं लगता है छोटे छोटे उपाय आपको करने होते हैं जिससे आपका जो है आगे का जीवन सुखमय होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को आप आगे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करते रहें माँ भगवती का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे आप सभी का कल्याण हो जय माता दी हर हर महादेव संभव